नमस्कार राधे राधे। मैं सच्चिदानंद सिंह कुशवाहा आप सभी को एकादशी के पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा निरंतर बनी रहे। आज के इस वीडियो में एकादशी व्रत की महत्ता के बारे में, एकादशी व्रत करने से क्या लाभ होते हैं और किस तरह एकादशी का व्रत करना चाहिए। हमारे शास्त्रों में एकादशी व्रत को सर्वोत्तम व्रत माना गया है। आज हम उसी एकादशी व्रत के महात्म की चर्चा करेंगे, साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत को करने से क्या लाभ होते हैं और एकादशी व्रत वाले दिन मनुष्य को क्या कर्तव्य करना चाहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप तक ऐसे महत्वपूर्ण आध्यात्मिक और सकारात्मक वीडियोस पहुंच सकें। वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। आइए आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार माह की 11वीं तिथि को एकादशी का व्रत और उपवास किया जाता है। इसमें दसवीं तिथि की रात्रि से व्रत के नियम लेकर ग्यारस के दिन उपवास रखकर तथा उसके अगले दिन अर्थात द्वादशी तिथि के दिन पारण के पश्चात ही एकादशी का व्रत पूर्ण होता है। इस तरह एकादशी व्रत का पालन 3 दिनों तक किया जाता है। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु के भक्त उनसे आशीर्वाद पाने की कामना से करते हैं। एकादशी का व्रत करने से अनगिनत लाभ मनुष्य पा जाता है। आइए कुछ विशेष लाभों की चर्चा क्रमशः आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। वर्ष भर सभी एकादशियां अनेक पापों का नाश करने वाली मानी जाती हैं। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु का विधि विधान से पूजन करने से पुण्यों की प्राप्ति होती है। इसी प्रकार कहा जाता है कि एकादशी का दिन पितरों को मुक्ति के लिए बहुत खास माना जाता है, क्योंकि जिन पितरों को मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ है उनके लिए इस दिन एक लोटे पानी में थोड़े से काले तिल मिलाकर दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तर्पण करने से पितरों को मोक्ष प्राप्त हो जाता है। ऐसी भी मान्यता है कि एकादशी व्रत की कथा सुनने मात्र से यह उपवास करने वालों का यश वैभव संसार में फैलता है। एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा के लिए नारियल, नींबू, नैवेद्य, ऋतुफल आदि वस्तुओं को एकत्रित करके इससे भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने तथा रात्रि जागरण करने से सभी तरह के पापों संकट से मुक्ति मिलने के साथ ही जीवन में खुशियों का संचार हो जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले भक्तों पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा बरसने से उनके पितरों के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत करने मात्र से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के समस्त पाप नष्ट होकर यह मोक्ष तथा जन्म मरण के चक्र से मुक्ति दिलाता है। एकादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली मानी गई है तथा इस व्रत से व्रतधारी के परिवार के लोगों को इसका पुण्य फल मिलता है। वर्ष भर में आने वाली सभी एकादशी के व्रत को अत्यंत पवित्र एवं जीवन के अंतिम समय में वैकुंठ दिलाने वाली तथा परिवार को हर कष्ट से मुक्ति देने वाली मानी गई है। एकादशी की रात्रि को सोना नहीं चाहिए। इस व्रत में पूरी रात जागरण कर भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति करनी चाहिए, नाम कीर्तन करना चाहिए। रात्रि के समय भगवान श्री हरि विष्णु की प्रतिमा के निकट बैठकर भजन करते हुए जागरण करने से उनकी विशेष कृपा प्राप्त हो जाती है। एकादशी व्रत करने वालों को दूसरे दिन यानी पारण करने से पूर्व
ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात दान दक्षिणा अवश्य देनी चाहिए, उसके बाद ही स्वयं को पारण करना चाहिए। इससे भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर अनेक शुभ आशीष बरसाते हैं। एकादशी व्रत करने से दुर्भाग्य, दरिद्रता तथा अनेक प्रकार के कष्ट दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति तथा सुख संपत्ति, ऐश्वर्य, पुत्र पौत्रादि से खुशहाल जीवन का वरदान प्राप्त होता है। एकादशी व्रत पूर्ण रूपेण मन पूर्वक करने से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान बन जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत संतान प्राप्ति, मोक्ष प्राप्ति, धन वैभव पाने के लिए करना उत्तम माना जाता है। एकादशी के दिन संतान की कामना से यदि व्रतधारी भगवान श्री कृष्ण के बाल स्वरूप की पूजा करें तो संतान लाभ अवश्य प्राप्त होता है। एकादशी का यह व्रत इतना अधिक शक्तिशाली है कि एकादशी का उपवास पूर्ण मनोयोग से करने से निःसंतान दंपति को संतान सुख अवश्य ही मिल जाता है। कहा जाता है कि एकादशी व्रत संतान की प्राप्ति तथा उनके दीर्घायु जीवन, तरक्की, सफलता के लिए खास महत्व का माना गया है। संतान की कामना रखकर एकादशी का व्रत करने से शीघ्र संतान की प्राप्ति होती है, ऐसी भी मान्यता है। सभी एकादशी व्रत की अपनी अपनी विशेषताएं हैं तथा एकादशी का व्रत मनुष्य को कई यज्ञों के फल की प्राप्ति तथा पुण्य फल देने में सक्षम मानी जाती हैं। एकादशी पर दीप दान का बहुत महत्व है। इस व्रत के पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान, पुत्रवान और लक्ष्मीवान होता है तथा सभी सुखों को भोगता है। एकादशी व्रत को पूर्ण भक्ति पूर्वक करने से मनुष्य की सभी कामनाओं की पूर्ति हो जाती है। एकादशी के व्रत में भगवान श्री हरि विष्णु के विभिन्न मंत्रों का जाप अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार हमारे शास्त्रों में सर्वोपरि व्रत की श्रेणी में रखा जाने वाला एकादशी व्रत अति उत्तम और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा पाने का एकमात्र साधन है। इस प्रकार एकादशी के व्रत की महत्वता और उसके लाभ और कैसे करना चाहिए कि विधि आप सबके समक्ष प्रस्तुत की गई। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट्स और शेयर अवश्य करें। हम सब पर भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी सरकार की कृपा हमेशा बनी रहे। हम सबके घरों में सुख, समृद्धि, सफलता, संपन्नता और प्रसन्नता का हमेशा वास रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलूंगा एक नए वीडियो में। तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय श्री राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।